नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ए टू जेड हमारा स्पिरिचुअल सीरीज के आज हम पहुंच गए हैं डे 24। सिर्फ 2 डेज और बचे हैं इसे कंप्लीट होने में। डे 24, तो आज का लेटर है हमारा एक्स। एक्स फॉर एक्स विजन, इस पर हम बात करेंगे। विजन माने दृष्टि, एक्स विजन इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम 40 मिनट का ध्यान करेंगे, जैसा कि हम शुरुआत में मेडिटेशन करते हैं। और अभी कुछ दिनों से हम चक्रा, एक एक चक्रा हीलिंग मेडिटेशन कर रहे हैं। तो आज हमारा फोर्थ चक्रा, जो कि है अनाहत चक्रा, हार्ट चक्रा, इस पर हम मेडिटेट करेंगे। तो हमारा ये जो चक्रास के सभी हम जानते हैं, एक अलाइनमेंट में सब रहते हैं, और कभी अंडर एक्टिव, कभी ओवर एक्टिव हो जाते हैं, कभी इम्बैलेंस्ड होते हैं। तो हम उसको एक मेडिटेशन के थ्रू, या कभी चैंटिंग के थ्रू, या कुछ अफर्मेशन के थ्रू इसको हम हील करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो आज हमारे नीचे से जो चौथा नंबर हार्ट चक्रा है, अनाहत चक्रा, जो दिल के पास है और जिसका रंग है हरा, हरा है इसका रंग, और इसका मंत्र है यम, और 10 पंखुड़ियों वाला अनाहत चक्रा, जिसे आज हम हील करेंगे, बैलेंस करेंगे। नीचे के 3 चक्रा पे को हम पूरी एनर्जाइज कर चुके हैं, बैलेंस कर चुके हैं, हमारे बैलेंस है, एक्टिव है हमारे। बाकी के 3 लोअर चक्रा, मेजर 7 चक्रास में 3 नीचे 3 ऊपर, और आज जो अनाहत चक्रा है वो है मिडल, वो है इन सब के 7 चक्रा का जो सेंटर पॉइंट, जो मिडल है, वो है हमारा अनाहत चक्रा। तो दिल के पास है ये चक्रा, अगर ब्लॉक हो तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ओवर एक्टिव है तो भी प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे कि हार्ट चक्रा, अगर इमोशनल फैक्टर में देखा जाए तो दिल में जब किसी के लिए कोई बहुत कंजूस होता है तो हमारा ये हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, ट्रस्ट नहीं है, हर समय लोगों पे डाउट, या जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, तो हो जाता है ये चक्रा ब्लॉक हो जाता है, या है तो इसके कारण ये होता है, दोनों वाइस वर्सा। और कभी एंगर है, फियर है, और लोनलीनेस है, अकेलापन का हर समय महसूस होता है कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, यानी इस चक्रा पे काम करना पड़ेगा, ये चक्रा आपका ब्लॉक है। और इसको, या फिर बहुत कभी ओवर एक्टिव भी होता है तो बहुत जल्दी सब पे बहुत विश्वास कर लेते हैं, सब पे बहुत प्रेम लुट दे रहे हैं, सबको बहुत जो मांगा सब लुटा दिए, सब देते जा रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है। और कभी कभी बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं लोग, कि ये चक्रा अगर इम्बैलेंस है कि बस मुझे ही लोग देखे, मुझे ही सुने, मुझे ही बात करे, और मैं जो बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ वो ही सच है, तो यहाँ पर भी यानी इस चक्रा पे काम करना पड़ेगा। तो सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, या बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या लोनलीनेस फील हो रहा है, या कंजूस है, या ज्यादा ही दिलेर है। और इसको अगर अपने बॉडी के लेवल में समझे कि ये चक्रा ब्लॉक होने से क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो हार्ट चक्रा वायु तत्व है इसका, इसका एलिमेंट क्या है, एयर। तो वायु तत्व अगर ठीक नहीं है, यानी आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, एस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है, और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ भी है, यानी हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम है। अब चाहे हार्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का आपका प्रॉब्लम है, लंग्स, हार्ट के बिल्कुल पास है लंग्स, जब हम सांसें लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में वो सही तरीके से ऑक्सीजन पहुंचता है, तो अगर ये ठीक नहीं है तो यानी लंग्स भी डिसफंक्शन, वो भी सही से काम नहीं कर रहा। और अगर ये चक्रा ब्लॉक है तो आपके हाथों में भी दर्द रहेगा, पूरे हाथ में अगर पेन होता रहता है तो भी, क्योंकि ये चक्रा बिल्कुल यहाँ इसके पास हमारे दोनों हाथ, और एयर का संचार ठीक से अंदर जा नहीं रहा, तो इसके कारण ये सब पेन और ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, लंग्स डिजीज, या फिर एस्थमा का है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ये सब बहुत जेलसी, ये नेचर में आ जाता है, जिसका ये हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो बहुत जेलस होता है हर चीजों से, हर लोगों से, और अगर जेलस होते हैं तो भी ये चक्रा ब्लॉक हो जाता है। एप्रिशिएशन नहीं कर पाते लोगों की, या किसी भी चीज की तारीफ नहीं कर पाते, और ये चक्रा ओपन है तो हर चीज में खूबसूरती, हर चीज में अच्छा लगना, और मुंह से तारीफ निकलती है। बारिश भी हो रही है तो वाह कितना सुंदर, कितनी ठंडी हवा है, धूप भी है तो वाह सब कुछ कितना खिल गया है,
सारी जगह शुद्धि हो रही है, तो इस तरीके से हर चीज में, कोई फूलों में, पत्ती में, लोग खूबसूरत दिख रहे हैं तो तारीफ करें खूबसूरत है, कोई अच्छा खाना बनाते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं, और नहीं तो क्या करते हैं, अगर कंजूस हो जाते हैं तारीफ करने में भी कि मुझसे निकलता नहीं है कुछ दो चार अच्छे शब्द, तो इस तो समझ में आ सकता है कि ये चक्रा अभी ब्लॉक्ड है। और अगर ये चक्रा जब ओपन हो जाता है तो आगे के चक्रास जल्दी ओपन होने की संभावना है, और अगर ये ओपन नहीं है तो वही नीचे के तीनों चक्र में फंसे पड़े रहेंगे, कितने जन्म निकल जाएंगे, यही तीनों के मूलाधार स्वादिष्ठान और मणिपुरा में ही, क्योंकि पहला क्या था, सर्वाइवल का नेचर, रोटी कपड़ा मकान इसी में स्ट्रगल कर रहे हैं या अपने शरीर के बॉडी के लेवल में ही रह रहे हैं, या डिजायर इच्छाएं को ही पूरी करते हुए रह जा रहे हैं, और या फिर मणिपुरा नेम फेम मनी पावर इन सब में ही रहते रहते आधा से ज्यादा लोगों की इसी में ही जीवन निकल जाता है। लेकिन जब हार्ट चक्रा में आते हैं, जब ये चक्रा ओपन होता है, अनकंडीशनल देना, अनकंडीशनल चाहे लव हो, चाहे हेल्प हो, चाहे किसी भी रूप में किसी के काम आ जाना, तो वहां पर ही अच्छा लगता है कि वाह मैं किसी के लायक बनी, किसी को मौका मिला, ये सौभाग्य मिला। तो यहाँ पर यानी हार्ट चक्र ओपन है, हर समय गिविंग वाला नेचर रहता है, ना कि मांगने का। क्या कहते हैं, मांगने वाला मंगता, देने वाला देवता, तो हर समय हाथ देने के लिए उठे ना कि मांगने के लिए। तो हार्ट चक्र ओपन होना बहुत जरूरी है, यहाँ पहुंचेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, और नहीं तो फिर नीचे ही रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम हार्ट चक्रा हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तैयार हो जाएं आज के मेडिटेशन के लिए। जो चश्मा पहने हैं वो चश्मा उतार देंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर अपने गोद में रख लें, पैरों को भी क्रॉस कर लेंगे, आंखें कोमलता से बंद, पूरे ध्यान विधि में हम आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे, एक गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ें, एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, सारे तनाव को जाने दें, बस इस पल में आ जाएं, अपने आप को अलाउ करें। नेक्स्ट 40 मिनट्स मैं सिर्फ और सिर्फ ध्यान विधि में ही रहूंगी या रहूंगा, किसी भी बाहरी चीजों से अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने दूंगी। हम सर्वप्रथम आज के इस ध्यान विधि में आमंत्रित करते हैं, सबसे पहले एस्ट्रल पिरामिड को, साथ ही साथ हम आमंत्रित करते हैं सॉल्ट सॉल्ट पिरामिड को, एक बड़ा सा एस्ट्रल पिरामिड और सॉल्ट पिरामिड हमारे लिए आ चुका है, जिसमें हम सभी ध्यानी सूक्ष्म शरीर के रूप में उस पिरामिड के अंदर बैठे हैं, अपने आप को मन की आंखों से देखें कि बड़े से पिरामिड के अंदर हम बैठे हैं। सभी ध्यानी एक सर्कल बनाकर, घेरा बनाकर इस ध्यान पिरामिड के अंदर ध्यान विधि में बैठे हैं। अब हम आमंत्रित करेंगे हार्ट चक्र के मास्टर्स और लॉर्ड, लॉर्ड शिवा को, गॉडेस पार्वती को। ये लव सिंबल है, प्रेम के प्रतीक, हम उनकी चेतना को आमंत्रित करते हैं, साथ ही साथ हम आमंत्रित करते हैं
लॉर्ड कृष्णा और राधा जी को। कि वे हमें प्रेम की ऊर्जा से भर दे, हमारे अनाहत चक्र में हमें अपने दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य आनंद और ऊर्जा से भर दे। हमारे अनाहत चक्र में जो भी ब्लॉक्ड एनर्जी है इस जन्म या किसी भी जन्म की, उसे आज बाहर निकाल कर खत्म करें या परिवर्तित कर दे सकारात्मक में। अब हम आमंत्रित करते हैं दिव्य देव दूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को आमंत्रित करते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड को, हमारे पूर्ण आत्मा को, सर्वात्मा को, गार्डियन एंजल्स को, वायु देवता को, अनाहत चक्र के तत्व वायु देवता को हम आमंत्रित करते हैं, उन सबकी चेतना को, कि वे समाज के हमारे ध्यान में हमें अपने आशीर्वादों से भरते रहे। हम पूरे विश्वास के साथ आप सबका धन्यवाद करते हैं। अपने आप को पिरामिड के अंदर देखें और दिव्य चेतना, दिव्य आशीर्वादों से जुड़ा हुआ अपने आप को महसूस करें। मैं म्यूजिक प्ले करूंगी। हम सभी उस दिव्य आत्मा का अंश हैं। इस धरती पे कई बार हमने जन्म लिया, किसी भी जन्म में अगर हमने दया, करुणा, प्रेम न रखते हुए, लाइफ लेसन लेते हुए जिन भी लोगों को हमने हिंसा पहुंचाई हो, दुख तकलीफ दिया है, तो उन सभी आत्म स्वरूप से क्षमा मांगे मन ही मन। इस जन्म या किसी भी जन्म में हमने जिस भी आत्मा को दुख तकलीफ पहुंचाई है, लाइफ लेसन लेते हुए हमने जो भी कार्मिक अकाउंट बनाए हैं, हम उन सब चीजों के लिए हर उन लोगों से माफी मांगते हैं।
अपने और उनके कार्मिक अकाउंट को रिलीज करें इस पल में, पिरामिड एनर्जी से और मास्टर्स की ब्लेसिंग के द्वारा। हम अपने अनाहत चक्रा में जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको रिलीज करते हैं इस पल में। इतने सारे जन्मों में कभी भी जीवन में अकेलापन महसूस किया हो, कभी भी जीवन में अगर प्यार नहीं मिला हो, उससे संबंधित सारे चोट, सारे दुख दर्द, हटाने के लिए मास्टर्स की ऊर्जा के द्वारा हम सब उसे हटाने के लिए तैयार हैं। सारे ब्लॉक्ड एनर्जी हट रहे हैं, सारे पेन, सफरिंग, सौरो एनर्जी, दुख की ऊर्जा निकल रही है। किसी भी जन्म में प्यार के नाम पर किसी जानवर को या पक्षी जाति को हमने बांध कर रखा हो, उसकी आजादी को छीना हो, तो उन सब से, सभी पशु जाति, पक्षी जाति से हम माफी मांगते हुए कर्म बंधनों से रिलीज होते हैं, अपने आप मुक्त करते हैं। कभी भी हम अपने जीवन में जिम्मेदारियों से भागे हों, दूसरों की निंदा किए हों, दूसरों के प्रति जजमेंट रखे हों, सबकी वजह से हमारी चेतना में जो भी ब्लॉक्ड एनर्जी है वो सब रिलीज हो रहे हैं। जितने भी हमारे नकारात्मक ऊर्जा और ब्लॉक्ड एनर्जी निकल रहे हैं, सॉल्ट पिरामिड मदद कर रही है उन सब नेगेटिव एनर्जी को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, उसे खत्म कर रही है या परिवर्तित कर रही है सकारात्मक। अब देखें प्रकृति से हरे रंग की दिव्य ऊर्जा इस पिरामिड के अंदर आ रही है और हमारे अनाहत चक्रा में प्रवेश कर रही है। रंग की दिव्य ऊर्जा अनाहत चक्रा में भरकर
दस पंखुड़ियों वाला, 12 पंखुड़ियों वाला हमारा अनाहत चक्र पूरी तरह से खिल रहा है, खुल रहा है, क्लॉकवाइज घूमते हुए एक्टिव हो रहा है। सारे ब्लॉक एनर्जी, सारे कंप्लेन, जजमेंट, सब इन सब चीजों से हम मुक्त हो चुके हैं। सारी पुरानी कड़वी यादें, शिकायतों से हम दूर हो चुके हैं। दिल में सबके लिए प्रेम, अनकंडीशनल लव, आज हमारा अनाहत चक्र हरे रंग की दिव्य ऊर्जा से भरकर पूरी तरह खिल चुका है, एक्टिव हो चुका है। अपने आप को कल्पना में देखें, हरे रंग के वस्त्र पहने हुए, हरे रंग की मखमली घासों के बीच में लेटे हुए, प्रकृति के बीच में मखमली घास, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे हरे पेड़, प्रकृति के साथ एकाकारता को महसूस करें, अपने आप को प्रकृति से जुड़े हुए इस हरे रंग की ऊर्जा के साथ। मन ही मन एक पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराएं कि मैं सबको निस्वार्थ प्रेम करती हूं, मैं पृथ्वी के हर एक प्राणी को, हर खनिज जाति, वनस्पति जाति, पशु पक्षी जाति, मनुष्य जाति को निस्वार्थ प्रेम भाव रखती हूं। और सभी से निस्वार्थ प्रेम पाती हूं। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ते हुए अपने आप को बिल्कुल आजाद, ओपन महसूस करें। दोनों बाहें फैलाए हुए मखमली घास पे आप लेटे हुए प्रकृति के साथ एकाकारता। देखें इस खूबसूरत से पल को, इस आनंद को महसूस करें। अनाहत चक्र से
हरे रंग की दिव्य ऊर्जा निकलकर आपके पूरे शरीर और चारों तरफ फैल चुकी है, एक घेरा सा बनाई हुई है यह हरे रंग की दिव्य ऊर्जा। हीलिंग एनर्जी से भरी हुई है। आप अपने आप को प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। अपने जीवन में जो भी गलतियां आपसे हुई है, आप उसके लिए खुद को क्षमा करते हैं, माफ कर चुके हैं। उन गलतियों से आपने जो सीखा है उसे सीखकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। आपके अंदर अपार प्रेम है। अनकंडीशनल लव देने के लिए और लेने के लिए हमेशा ओपन है। आपका दिल हर पुरानी चोटों और तकलीफों से मुक्त है। आप हर उन चीजों के लिए आभारी हैं जो आपके पास है, जो आपको प्रकृति से मिली है। आप सभी को माफ करना जानते हैं। आपके रिश्ते सभी से बहुत प्यारे हैं। के अंदर प्रेम, करुणा, दया से भरे हुए हैं। आप जैसे भी हैं, खुद को स्वीकार करते हैं, प्यार करते हैं। इसी प्रेम की ऊर्जा के साथ, इसी वननेस की फीलिंग के साथ आखिरी 5 मिनट बने रहें।
सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे एस्ट्रल पिरामिड को और सॉल्ट पिरामिड को हमें 3 times more पावरफुल ऊर्जा से भरने के लिए, हमारी नकारात्मक ऊर्जा को अप्रभावी करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिरामिड को धन्यवाद करके हम विदा करते हैं और अब हम धन्यवाद करेंगे दिव्य देवदूतों को
आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों, हमारे स्पिरिट गाइड, हायर सोल, सुप्रीम गॉड एंड ऑल द ग्रेट हिट वंस, हम शुक्रिया करते हैं उन्हें। हम शुक्रिया करेंगे लॉर्ड शिवा, गॉडेस पार्वती, लॉर्ड कृष्णा, गॉडेस राधा को, उनकी प्रेम की चेतना, प्रेम की ऊर्जा हमें मिलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपने दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य आनंद और ऊर्जा से भरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब आपको पूरे विश्वास के साथ धन्यवाद करते हुए जाने की अनुमति देते हैं। हम प्रेम पूर्वक आपको विदा करते हैं। आपके आशीर्वादों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब अपने आप को अपने शरीर में महसूस करें, अपनी चेतना में खुद को महसूस करें। जिस जगह बैठे उस जगह को फील करें। गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए इस पल में आ जाएं। मन में शुक्रिया का भाव, सभी ध्यानियों को शुक्रिया ग्रुप की एनर्जी बनाए रखने के लिए। लास्ट 10 सेकेंड, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में खोलते हुए अपनी आंखों पर रखें। फाइव, फोर, थ्री, टू एंड वन। कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे और अपने लिए, अपने ध्यान के लिए, ध्यान में मिली ऊर्जा के लिए कैसा रहा ध्यान? लव एनर्जी से भरे हुए। सरोजी का हैंड रेज है, बोले। एक्सीलेंट पिरामिड मास्टर श्वेता अग्रवाल को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी ध्यानियों का भी धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज जैसे पूरा ग्रीन आ रहा है और अंदर में ना ग्रीन पूरा घूम रहा था, बहुत देर तक घूमता रहा और फिर मेरी पूरी बॉडी ग्रीन हो गई। बहुत ही अच्छा, एक्सीलेंट ध्यान रहा आज तो। बहुत अच्छा, आज लगता है मेरे को मेरा पहली बार ऐसा अच्छा ध्यान रहा है। बहुत सुंदर। थैंक यू श्वेता जी। थैंक यू सरोजी, आज आप पहने भी ग्रीन है। हम वैसे बुधवार को विशेषता ऐसे सब कलर पहनती हूँ मैं। अच्छा, गुड। रोचना जी बोले। बुद्धाय मैम। नमो बुद्धाय। मैम आज मैं आपको एक अपना पर्सनल मतलब अपना एक शेयर करना चाहती हूँ। आज से करीब 30-35 साल पहले की बात है, जब मैंने गुरु दीक्षा ली थी, उस समय मुझे बहुत, मैं आध्यात्मिक मतलब उससे रहती थी, पर और मुझे एक छाती के पास में, मुझे, मैं उसमें कुछ नहीं जानती थी, I had no knowledge at all, तो मुझे ऐसा लगता था कुछ जैसे विक्स आप लगाते हैं तो कुछ ठंडक, मतलब एक अजीब सी फीलिंग होती है, ठंडक सी लगती है विक्स लगाने। मुझे लगता था कि मेरे यहाँ पर वैसा ही कुछ
ठंडा ठंडा है और मैं कोई एक पॉइंट है मैं वहां तक पहुंचना चाहती हूँ, जैसे मुझे लगता था कहीं कुछ चुभ, मतलब चुभ रहा, नॉट इन द बैड सेंस, मैं उस जगह पे पहुंचना चाहती थी, मतलब पॉइंट तक। मैं सबसे इधर उधर, मैं सबसे सब लोगों से पूछती थी कि मैं उस पॉइंट तक पहुंचना चाहती हूँ, मुझे पहुंचा दीजिए। तो कोई मेरी बात समझता नहीं था कि वो ये इतनी छोटी सी है, क्या पता नहीं क्या बात कर रही है, कोई समझ नहीं पाता था। बट टुडे थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल दी एंजल्स गॉड, मुझे आज फिर मैं इस चीज को भूल गई थी जीवन की परेशानियों में, आज मुझे उतनी ठंडक सी तो नहीं लगी, लेकिन हाँ वो हल्की ठंडक जैसे विक्स लगाने से मुझे जो पहले लगती थी वो मुझे बीच में छाती में वैसी हल्का सा आभास हुआ। और ऐसे मैं रोज लाइट नहीं इमेजिन कर पाती थी, आज हल्की ग्रीन लाइट इमेजिन कर पाई और मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ कमल सा कुछ कुछ अंदर खिल गया है और कुछ एक हल्के पॉइंट तक मैं आज पहुंच पाई हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं नतमस्तक हूँ। थैंक यू रोचना जी फॉर शेयरिंग वंडरफुल एक्सपीरियंस, वेरी गुड, ग्रेट। ध्यान से बहुत से कमाल हो सकते हैं और हमारा जो भी जितना हमें जरूरत है वो बिल्कुल मिलता रहेगा और सारे ब्लॉकेजेस निकलते रहेंगे। तो हमें बिल्कुल ध्यान करना है, कभी एक्सपीरियंस हो कभी ना हो, कभी दूसरों का सुने कभी अपने पर, वो बिल्कुल भी डाउट नहीं लाना कि हमें क्यों नहीं, बस हम ध्यान में कर रहे वो बड़ी बात है। और जितना आपको जरूरत है मिलता रहेगा और वो ध्यान की ऊर्जा कब ना कब जाके कमाल करेगी, कब ना कब आपको जब जरूरत है उस समय वो आपका साथ निभाएगी। तो बस फ्रेंड्स करते रहें हम हर रोज मेडिटेशन। तो आज हम बढ़ेंगे आगे, आज हमारा डे 24x लेटर है। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था क्या है इस पे, क्या बोलूं क्या रखूं, तो फिर भी जो भी कभी मैंने जो संतों की बातें सुनी है जो मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली आज का टॉपिक है हमारा एक्स विजन। विजन क्या है? विजन माने दृष्टि, दृष्टि। तो एक्स विजन एक अलग तरह की दृष्टि से देखना, किसी भी कोई भी स्थिति परिस्थिति आए उसको अलग तरीके से अलग दृष्टि से हम उसको देख करके उसको हम उसका उपाय निकाले और आगे बढ़े अपने जीवन में। तो क्या है कि एक्स विजन का अर्थ बहुत ही गहरा है इसका मीनिंग, कि जो कि हमारे जीवन की उन्नति के लिए उपयोगी है, हमारे जीवन के डेवलपमेंट के लिए आगे के लिए ये एक्स विजन जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक बार एक आदमी से सवाल किया गया, किसी संत ने पूछा उसको जैसे एग्जामिन करने के लिए कि क्या जवाब दे रहा है। तो उससे पूछा गया कि मान लो कि तुम बहुत ही घने अंधेरे जगह में तुम फंस गए हो, जहां बहुत ही अंधेरा है, इतना अंधेरा है कि हाथ से हाथ नहीं दिख रहा, कहते ना कि अपना हाथ से हाथ नहीं देख पा रहे, उतना अंधेरा, और पहाड़ है सामने, पहाड़ वाले ही रास्ता है, और बहुत कड़कड़ाती हुई ठंड है, यानी कुछ ऐसी जगह में फंस चुके हो जहां पे कि इतना अंधेरा कि कुछ भी नहीं दिख रहा, हाथ से हाथ नहीं दिख रहा, पूरे पहाड़ी वाली इलाका है और बहुत ठंडी वाली जगह है, तो और रास्ता तुमको नहीं पता, तो अब क्या करोगे? तो उसने क्या जवाब दिया? वो बोला कि कुछ इधर उधर कुछ पत्थर टटोलूंगा, दो पत्थर टटोल कर लूंगा और दोनों में क्या करूंगा, घर्षण करते ना, पहले घर्षण करने से घसते हैं तो आग निकलता है, तो कुछ वहां जो सूखे पत्ते वगैरह रहेंगे तो घर्षण करके मैं उसमें पत्तों में आग जलाऊंगा, और जब आग जलेगी तो सबसे पहले तो मैं अपनी ठंडी का जो कड़कती हुई ठंड है उसका भी मैं निवाच दूंगा, अपने आप को उसका निवारण करूंगा, और फिर उस रोशनी से मैं आगे के रास्ते को ढूंढूंगा, फिर मैं आगे की जो रास्ता है उसको मैं तलाश करूंगा। तो इस तरीके से उसने जवाब दिया। तो क्या था कि अगर भले ही इमेजिनेशन था, इमेजिनेशन तभी आया ना क्योंकि उसके दिमाग में वो बात का सॉल्यूशन वैसा आया,
नहीं तो हम क्या करेंगे, अरे हम तो फंस गए, हम तो अकेले, हम तो डर जाएंगे, हम क्या करते। लेकिन क्या कहा कि उसने तुरंत ही कि वहां से पत्थर टटुला घसूंगा, रोशनी जलाऊंगा, अपनी भी ठंड बुझाऊंगा और फिर रास्ता भी ढूंढूंगा, तब आगे बढ़ूंगा। तो संत कहते हैं कि यही दृष्टि जीवन की श्रेष्ठ दृष्टि है। इसी दृष्टि से अगर हम अपने, क्योंकि जीवन में बहुत तरह की परिस्थितियां, बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते हैं, तो हम हर सिचुएशन को उसका जो एक्स विजन वैसा हम देखें तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वहीं के वहीं अटक के रह जाएंगे। तो ऐसी दृष्टि जिसमें मनुष्य अपने जीवन की हर स्थिति में मजबूत बना, अपने आप को मजबूत बनाए रखे। अब हमारे लाइफ में भी हर तरह के सिचुएशन आते रहते हैं और ऐसे सिचुएशन का दो तरह का होता है रिएक्शन। दो तरह का रिएक्शन क्या होता है कि या तो हम उसमें उसको उस चैलेंज को, हम सिचुएशन में हम हार गए, हार करके वहीं पर ही बैठ गए, और कुछ लोग है कि उसका मुश्किल का सामना करके हम अपने आगे बढ़े। तो जो हार जाते हैं वो लक्ष्य से हट जाते हैं। संत कहते हैं कि जो हार जाते हैं वो अपने लक्ष्य से हट गए, और जो डट जाते हैं वो अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। डटे रह गए कि मेरे को नहीं, उससे हार नहीं मानना है, मेरे को डट के उस चीज का सामना करना है। तो हटो नहीं डटो। चाहे मैं कुछ और स्टोरीज भी शेयर करूंगी जिससे और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या इसमें एक्स विजन में हम क्या समझे। तो संत कह रहे हैं कि हटो नहीं डटो, चाहे जैसी भी स्थिति हो, अपने में अपना संतुलन हमको बनाए रखना है। धैर्यता जो हमको है कि बनाकर हम चले, तो चीजों की चीजें हम पर हावी ना हो, हमको उन चीजों पर हावी होकर के रहना है, हमको उन सिचुएशन पर हावी होना है। ये नहीं कि सिचुएशन हम पर हावी हो गई, अब हम क्या करें। तो और ऐसा कोई भी इंसान नहीं कि जिसके जीवन में कोई चैलेंजेस या ऑड सिचुएशन नहीं आते हैं। सबको सामना करना पड़ता है, लेकिन आप में कितनी धैर्यता है, कितना पेशेंस है। तो अपनी उस, हम अगर पेशेंस बनाए रखते हैं और उसका उपाय समाधान ढूंढते हैं तो वो है एक्स विजन। अलग अलग तरह के सिचुएशन आते हैं, चार तरह के परिस्थितियां सबके जीवन में आती है, जिसमें उसी में ही हम अटके रहते हैं, या वही चैलेंजेस के रूप में, चाहे वो शारीरिक रूप में है, पहला शारीरिक रूप में, दूसरा पारिवारिक रूप में है, और तीसरा सामाजिक रूप में है, और चौथा है क्या, आर्थिक रूप में। मेरी साउंड क्लियर है, हम दिखा दे, ठीक है ना। चलो फिर भी मैं माइक का वो चेंज कर देती हूँ। हाँ अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके ना। तो शारीरिक, पारिवारिक और सामाजिक और आर्थिक, आर्थिक यानी फाइनेंस, फिजिकल लेवल में, फैमिली लेवल में, सोशल लेवल में, या फिर हमें फाइनेंस लेवल में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते ही रहते हैं। अब एक एग्जाम्पल, जैसे कि शरीर, पहला अगर हम बात करें शरीर के लेवल में, तो बॉडी के लेवल में बहुत की कभी शरीर अस्वस्थ भी हो सकता है, कभी हमारा शरीर बीमार भी पड़ सकता है, तो हम तुरंत घबरा जाते हैं। जो अगर हमेशा से स्वस्थ रहने वाले लोग भी कभी एक बार बीमार पड़ जाते हैं तो लगता है कि क्या, बहुत सारी निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, या क्या हुआ, हम बचेंगे कि नहीं, मुझे क्या हो गया, अरे मैं उठ नहीं पा रही, ऐसा कुछ। लेकिन और इसका ठीक उल्टा, कुछ लोग होते हैं जो 15-20 सालों से बीमार हैं, या बेड रिडन हैं, या ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, तो उनका क्या, वो लोग भी अगर पेशेंस उनका, मान लीजिए वे भी सफरिंग में है, लेकिन वो क्या कहते हैं, जो एक्स विजन के लोग हैं वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कर्म का उदय है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ठीक है इस तरह है, तो वो भी उसको हंस के काटते हैं, वो कहते हैं क्या, कर्म का उदय है। और मैं सोचता हूं कि नरकों में भी, नरक में भी तो भोगना पड़ता, नरक में भी भोगना पड़ता, तो वो यही, मैं यही भुगत करके इससे निकल रहा हूं। तो
जो भी है कि मैं जो काटना था, मेरे को जो भी हो रहा है ये मेरे साथ, ये मेरा कर्म का उदय है, और या तो मैं नरक में झेलता या मैं इस मनुष्य जीवन में, इस जीवन में रहते हुए मैं उसको काट रहा हूं। तो यहाँ पर वही बहुत अच्छी बात है कि एक होता है भोगना, एक होता है काटना। तो जब कोई इस दृष्टि से देखेगा तो वो क्या सोच रहा है कि मैं काट रहा हूं, ये जो भी है मेरे ही किसी कर्म के कारण हो रहा है। और एक हो जाता है कि क्यों मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब वो सब, फिर वो क्या हो जाता है कंप्लेन, जजमेंट करते करते। काटना तो पड़ेगा ही, कर्म का उदय है अगर काटना तो पड़ेगा ही, लेकिन हम जितना उसमें कंप्लेन जजमेंट डालते जा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, हम उसको और बढ़ा रहे हैं। वो भी काट रहे हैं लेकिन साथ ही साथ और नया भी क्रिएट कर ले रहे हैं। इसको, इस लाइन को बहुत अच्छे से समझे, क्योंकि जब मैं भी पहली बार इस चीज को सुनी, समझ में आया, तब लगा कि हाँ, हमको जो अगर कुछ प्रॉब्लम ऐसा कुछ हो रहा है या सफरिंग हो रहा है या घर वाले ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं या आपको अकेला छोड़ दिया जा रहा है, कुछ भी किसी भी रूप में, बॉडी के रूप में और या पारिवारिक रूप में, आप अपने आप को, आपको लगता है कि बहुत आपके संग गलत हो रहा है, तो क्या यहाँ पर अगर सोचते हैं कि ये मेरा किसी कर्म का उदय है या किसी, जो हम कर्म सिद्धांत जो हम काट रहे हैं तो काट रहे हैं। अब हम 10 लोगों को कंप्लेन करके बताते हैं और वही चीज को बार बार रिपीट करते हैं, या दुख में सौरव में उनको कर्ज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हम जितना जो काट रहे थे वो तो है ही, हम नया क्रिएट करते जा रहे हैं, हम और नया बना ले रहे हैं, फिर उसको काटना पड़ेगा, इस जन्म नहीं तो किसी और जन्म। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ग्रैटिट्यूड करके, ओके ठीक है, उनको ब्लेस करके, और ये मेरा ही कुछ है तो वैसा समझकर हम उसको काट लिए, और नहीं तो भोगेंगे आगे। तो संत कहते हैं कि तन की बीमारियों को अपने मन की बीमारी मत बनाने दो, अपने अपने खुद का कर्म और खुद के कर्म को खुद ही भोगना होगा, कोई और नहीं आएगा भोगने के लिए, तो एक्सेप्ट करके भोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, और कंप्लेन करके करेंगे तो और आगे बढ़कर मिलेगा, तो नया कुछ क्रिएट कर लेंगे। और नरकों में तो सिर्फ भोगा ही जाता है, और जब पर मनुष्य जीवन में तो हम कर्मों को काट रहे हैं ऐसा। और अब इसको हम समझें तो वही है कि मजबूर नहीं, मजबूत बनना पड़ेगा हर सिचुएशन में। और सेकंड, अगर पारिवारिक पारिवारिक के रूप में देखें तो हर रिश्तों में कुछ ना कुछ, मान लीजिए कभी भी घर परिवार में है, हम लोग इतना कर्मों के बारे में बात कर चुके, हम जानते हैं कि वही लोग चूजन जिनसे हमारा कुछ कार्मिक अकाउंट होता है, या कभी कभी कुछ अच्छे हमें कुछ सिखाने आते हैं, वही परिवार के मेंबर बनकर आते हैं खास तौर पर। और फिर क्या होता है, मोस्टली हस्बैंड वाइफ में अगर नहीं बनती है, रिश्ते अच्छे नहीं है, या देवरानी जेठानी में, या सास बहू में, या बाप बेटे में, इस तरह करके कहीं ना कहीं कुछ भी रिश्ता या वो चीज अनबन रहता है। तो अब या तो जहां पर क्या प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन, जहां से प्रॉब्लम शुरू हुआ है वहां पर ही उसका सॉल्यूशन है, वहीं पर ही उसका वो जड़ को ही हम उस चीज को ही हम पकड़कर ठीक करें, और नहीं ठीक होता है तो उसी सिचुएशन में आपको जीना है, और उसी सिचुएशन में आपको ही सॉल्यूशन खोजना पड़ेगा कि कैसे हम इस चीज से, इसका समाधान हम क्या करें, कैसे बाहर निकले। तो एक बार स्टोरी है कि एक बाप बेटे में एक 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 पिता अपने बेटे को घर से निकाल देते हैं, घर से निकाल देता है दूसरे बेटे की बात में बहकावे में आकर या कुछ भी, तो बात इतनी बढ़ जाती कि उसको वो निकाल दिया। तो बड़ा बेटा था, फिर वो अपनी वाइफ को लेकर के निकल गए दोनों खाली हाथ, पॉकेट में सिर्फ 500 रुपए, और दोनों जने निकल गए आशीर्वाद लेकर पिता का। और पिता को ये भी जाते जाते कहा कि ठीक है, कभी भी जरूरत पड़े, कुछ भी हो तो आप हमें जरूर याद करिएगा। वो बिल्कुल लड़ते नहीं है, वो बेटा बहुत ही अच्छा बेटा था और समझदार था, तो वो इस तरह करके निकलता है और कुछ दिन अपने दोस्त के यहाँ रहता है। बाकी जो उसके जितने भी थे दोस्त और या जो भी उनके उसके जान पहचान के, जब उन लोगों ने भी अपनी अपनी सब राय दी कि क्या करना चाहिए, तुमको तो अपने पिता पे केस कर देना चाहिए, है ना, राय देने वाले बहुत तरह की राय देते हैं, तो ऐसा भी राय मिला उसको।
लेकिन उसने कहा कि पूरी जीवन मेरे पिता ने मुझे दिया ही दिया है, मुझे इस लायक बनाया है, इंजीनियर बनाया है, मुझे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पे खड़ा किया है, सिर्फ दिया ही दिया है। तो अगर कुछ एक बात हो गई तो इसके लिए मैं अपने पिता को सजा नहीं दे सकता। और फिर क्या होता है कि वो था बहुत ही लड़का, बहुत अच्छा था, उसका अच्छा गुडविल था, तो उसके कुछ मित्रों ने, कुछ फ्रेंड्स उसके हेल्प भी किए और साथ में कुछ फ्रेंड्स ग्रुप बना करके अपना रियल एस्टेट का काम शुरू करते हैं, रियल एस्टेट जो कंस्ट्रक्शन का, और उसका वो इंजीनियरिंग वगैरह किया होता तो अपनी वो लोग कंपनी खड़ा करते हैं रियल एस्टेट की। और फिर होता क्या है, उस काम, वो काम बहुत अच्छा चल गया और उस लाइन में उस समय बहुत तेजी आई, वो बहुत ही अच्छा चला और वो बहुत बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लिया, बहुत कुछ अपना नाम शोहरत कमा लिया। अब पूरे की अपने सफलता के शिखर में पहुंच चुका। अब जिस बेटे ने बाप को कह के अपने बड़े भाई को निकाला था, अब वो ही अपने पिता को भी निकाल देता है, वो भी वही अपने घर से फिर उस पिता को भी निकाल देता है। लेकिन जो इधर वाला जो बड़ा बेटा है, उसको जब पता चलता है तो वो क्या कहता है अपने पिता को, वो अपने पिताजी को बोलता है कि आपका ही घर है, आप अपने घर में आ जाइए, मैं आपके साथ रहूंगा, आप मेरे साथ नहीं रहेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा, आपका घर है ये, इस तरह का नजरिया। तो ये है एक दृष्टिकोण, एक्स विजन, और नहीं तो फिर कंप्लेन, जजमेंट इन सब में रहें। बहुत से लोग कहते हैं ना कि मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं, मेरे घर में रहते हैं, बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं अभी भी, लेकिन हम उनके घर में रह रहे, उन्होंने हमें जन्म दिया है, वे पाल पोस कर बड़ा कि वे हमें इस लायक बनाए हैं, चाहे तो वो उनका ही घर है या फिर अपनी कमाई से हमने अगर अपना दूसरा घर बना भी लिया तो उनकी बदौलत, उनके, उन्होंने कितनी कुर्बानियां दिया, हमें इस लायक बनाया तो हम बना रहे, तो हमारे माता पिता, हम उनके घर में रह रहे हैं। तो ऐसा एक नजरिया। तो अब तो क्या हुआ कि कोई और अब रहता तो वही है कि हम, मेरे संग ये हो गया, मेरे साथ ये परिस्थिति हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या समझना पड़ेगा कि कुछ भी, कोई सिचुएशन अगर ऐसा कुछ आया है तो वो आपको कुछ सिखाने के लिए आया है। अगर क्यों वो सिचुएशन आई, क्योंकि आप अपने आप को साबित कर सके, आप उस चीज को अपने प्रूव योरसेल्फ, अपने आप को आपने प्रूव किया, साबित किया, और उस चैलेंज वो नहीं आता तो आप वही के वही जो कर रहे हैं बस वो ही करते रहते, और नहीं तो वो चैलेंजेस आने की वजह से जब सब कुछ अपने ऊपर आया तो कुछ अलग करके दिखाए, कुछ अलग हटकर। तो ये सारी सामाजिक और आर्थिक, अब आगे और क्या है, सामाजिक आर्थिक, इन सब में भी ऐसा ही होता है, कौन कौन का बहुत ऊंचा ऊंचा शिखर पे चढ़ जाए सफलता के, या फिर कोई ऊंचा है तो वो नीचे आ जाए, तो इसका कुछ भी पता नहीं चलता। जैसे किसी एक बार किसी ने बताया कि 10 साल की उम्र में वो आधी दुनिया घूम चुका था, मतलब इतना रिच था उसके फैमिली, इतने रिच फैमिली को बिलोंग करता था, लेकिन ऐसा कुछ अचानक से डाउनफॉल आया कि 22 साल की उम्र में जब वो पहुंचा था तो उसको रोटी चोरी करके खानी पड़ी थी। तो इसीलिए कभी कुछ भी सिचुएशन आ सकता है, लेकिन वही वही वो वापस हार्डवर्क करके, मेहनत करके फिर वो भी अपना फिर नाम, नेम, फेम, सक्सेस कमाया। एक बार एक संत के पास एक आदमी जाकर कहता है कि वो सब तो ठीक है, सारी बातें तो ठीक है, लेकिन जब बात फाइनेंस लेवल की आती, फाइनेंशियल ग्राफ, मतलब पैसे वाली जो ग्राफ है कि कमाई यहाँ थी और ऊपर चढ़े या फिर नीचे ही उतर, कि कभी एक महीने में यहाँ तक थी, अगले महीने में इतना डाउनफॉल आ गया या कुछ, तो उस तरीके से बोलता है कि फाइनेंशियल ग्राफ अगर नीचे गिरती है तो रात की नींद उड़ जाती है, उसका क्या करें। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ फाइनेंशियल ग्राफ मत देखो, अपने जीवन के ग्राफ को भी देखो। वो क्या कहते हैं कि हमारे जीवन में अप एंड डाउन, जो अप एंड डाउन
कभी हम बहुत अच्छा, कभी नहीं अच्छा, कभी फिर अच्छा। तो जीवन में जो अप एंड डाउन का जो ग्राफ चलता है, ईसीजी जब कराते हैं अपने, जो ईसीजी जब टेस्ट कराया जाता है तो उसमें क्या देखते हैं, उसमें लाइन ऊपर नीचे चल रही है। अगर लाइन स्ट्रेट हो जाती है तो क्या हो गया, अगर लाइन सीधी हो गई किसी की तो यानी वो डेड। जब मृत्यु हो जाती है, सब कुछ खत्म, तो कोई लाइन नहीं बनता, स्ट्रेट हो जाता, मतलब स्ट्रेट लाइन। और जो ऊपर ऊंचा नीचा है यानी वो सही से फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है। तो जीवन में भी ऐसे ही उतार चढ़ाव जो आते रहते हैं, तो यानी तब जीवन चल रहा है, खटास मिठास दोनों तरह का, तब जीवन को जीने का मजा होता है। दुख आता है तो सुख का मजा, फिर हम उसके बाद जो सुख आता है तो हम सुख को उसका आनंद उठा पाते हैं। सिर्फ सुख ही सुख रहे तो भी जीवन में मजा नहीं, सिर्फ दुख ही दुख रहे। तो ऊंचा नीचा दो उतार चढ़ाव चलता रहता है, वो ईसीजी का जो ग्राफ है उस तरीके से जीवन को चल रहा है। तो वो खुश रहो, जीवन का मजा अप एंड डाउन में ही होता है, और इस अप एंड डाउन की स्थिति में ही अपनी स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। फिर अब वो बोल रहे कैसे करें, कैसे स्थिरता बनाए रखें, क्या करें, तो बोल रहे आत्मविश्वास के धनी बनो। वे कहते हैं आत्मविश्वास के धनी बनो कि मैं आत्मा हूं और इसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम जान रहे कि हम आत्मा है, शरीर तो ठीक है ऊपर का कवर है, मैं आत्मा हूं, इसका कोई भी कभी भी किसी भी रूप में कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो वो कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल में भी अपना जो है कि कॉन्फिडेंस लेवल में भी धनी बनो और आत्म रूपी में भी धनी बनो। इस पर कि कुछ भी दुनिया में उलट पुलट हो जाए, लेकिन मैं आत्मा, मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो यहाँ पर एक स्टोरी है, ये सब जो भी मैं स्टोरी बता रही हूँ ये सब शास्त्रों की है जो कि सच्ची घटना है। एक बार एक सेठ था, सुदर्शन सेठ उसका नाम था, सुदर्शन। तो किसी कारण से उसको झूठ मूठी सूली पर लटकाया जा रहा था, सूली पर टांगा जा रहा था। तो वो बोला ठीक है, तुम सुदर्शन सेठ को सूली पर चढ़ा सकते हो, लेकिन पर मेरे भीतर का जो सुदर्शन है, जो मेरे भीतर का जो मैं है, उसको तो कोई छू भी नहीं सकता। बाकी जैसे लोग देखेंगे सुदर्शन सेठ को लटका हुआ, वैसे ही मैं भी देखूंगा आत्मा के रूप में, वैसे ही मैं भी, क्योंकि शरीर पूरे हर एक शरीर की एक आयु है, आयु है जब तक वो शरीर है, और जिस दिन आयु पूरी हो गई वो शरीर का कहानी, उसकी कहानी खत्म। तो इस सोच से वो बिल्कुल हंसते हुए कि अरे मेरे को क्या मारोगे, मैं आत्मा और ये सुदर्शन सेठ को तुम लटका रहे हो, मैं भी उसको वैसे लटका हुआ देखूंगा। इस तरह के भाव रख करके, अपने आत्मविश्वास को रखते हुए जब वो सूली में चढ़ता है, तो क्या हुआ कि भले इधर वो सूली में चढ़ा, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, सिंहासन की उसका वो सूली सिंहासन में परिवर्तित हो गया, मतलब स्वर्ग के द्वार में सीधे पहुंच गया, स्वर्ग के सिंहासन में पहुंच गया। तो ये है एक्स विजन, कर्म सिद्धांत पर विश्वास। दूसरा क्या है कि हम ठीक है आत्मविश्वास के धनी बने। सेकंड, कर्म सिद्धांत पर ही हमको पता ही है कि जो भी हो रहा है, कुछ भी है, तो कर्मों के कारण है। अच्छे अच्छे महान महापुरुष, उनको भी विपदा आती है और कितनी सारी चुनौतियां आती है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाता है। अब मान लीजिए रात है, तो रात के बाद सुबह तो आएगी ही, हर समय तो रात नहीं रहेगी। तो जब रात का अंधकार हटेगा, जब रात खत्म सुबह आई, तो वैसे ही कोई भी सिचुएशन परिस्थिति आ गई है तो वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी, वो चली जाएगी, वो खत्म होगा और कुछ नया आएगा। तो इतना अगर हम इस पर रखें और क्या बोलते हैं, सकारात्मक सोच, आशावादी बने, पॉजिटिव थॉट्स, जो कि जो बच गया है उसको देखने की कोशिश करें, जितना कुछ जो मिला हुआ है, जो खो दिए उसको ना छोड़कर जितना बच गया। एक बार एक आदमी था, अपना बहुत ही सुंदर वो घर बनवाया, सब कुछ उसमें बहुत खूबसूरत सा उसका घर बनता है, वेल फर्निश्ड सब कुछ, कि एक हफ्ते बाद वो उसमें शिफ्ट होने वाला था।
पूरे परिवार के साथ एक हफ्ते के बाद ही उसमें वो शिफ्ट होने वाला था, और उसी एक हफ्ते पहले उसके उस नए घर में आग लग गई। किसी कारण से उसके उस नए घर में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख, पूरा घर और सारी सब कुछ, उसके सामान सब कुछ जलकर खाक। अब उनके जो और प्रियजन थे, जो उनके रिश्तेदार थे, अब वो घर पे आते हैं और बोलते हैं बहुत ही बुरा हुआ, ऐसा हो गया, होना नहीं चाहिए था, आग लग गई, नए घर में आप जाने वाले थे। फिर अब वो क्या बोलते हैं, अच्छा हुआ कि आग आज लगी है, अच्छा हुआ आग आज लगी है, अगर एक हफ्ते बाद आग लगती तो मैं और मेरा पूरा परिवार उसमें खत्म हो जाता, घर फिर से बनाया जा सकता है, मकान फिर से खड़ा किया जा सकता है, लेकिन परिवार को दोबारा खड़ा करना संभव नहीं है। तो ये है एक्स विजन कि हम उन सिचुएशन को किस तरीके से देख रहे हैं और कैसे उसको टैकल कर रहे हैं। तो जो बीत वही कि ये बीत गया है, समय भी बदल जाएगा और कुछ ही समय की बात है, जो चीज है जो कि ये बीतेगा और फिर कुछ एक समय आएगा जब वापस सब कुछ सिचुएशन संभल जाएंगी। एक बार लास्ट स्टोरी शेयर करूंगी। एक बार एक राजा अपने मंत्री पर नाराज हो जाता है और नाराज होकर उसको वो फांसी की सजा सुना देता है। तो उसके वो मंत्री अपने घर पे ही था और उस दिन उसका जन्मदिन भी था, तो वो अपने घर में सभी उसके मित्र थे, रिश्तेदार थे, सब घर में पार्टी चल रही थी, नाच गाना पार्टी सब चल रही थी, उसको नहीं पता। लेकिन यहाँ राजा के जो आदमी थे वो लोग कुछ सैनिक उसके गुप्तचर थे और वैसे कुछ आदमी उनके जाकर के उसके मंत्री के घर में जाते हैं और वो बोलते हैं कि राजा ने तुम्हें फांसी की सजा सुनाई है, कल तुम्हें सूली पर लटकाया जाएगा। अब ये सुनते ही जितने भी थे जो लोग, पार्टी चल रही थी, नाच गाना सब बंद, सारे रिश्तेदार जो भी उसके मित्र थे, उसके चाहने वाले थे, सब बिल्कुल सन्नाटा, सबके हाथ पैर ठंडे पड़ गए कि ये क्या, कि हमारा प्रिय जो दोस्त है, जो मंत्री है ये, और इसको कल फांसी लग जाएगी। बहुत बुरी तरह से सन्नाटा शांति छा गई। लेकिन यहाँ पर वो क्या बोलता है मंत्री बिल्कुल भी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। वो बोलता है नाच गाना क्यों रोका गया, सब कुछ स्टार्ट करो, चालू करो सब। तो फिर वो उसके दोस्त बोलते हैं अरे ये पार्टी करने का समय नहीं है, कल तुमको फांसी लग जाएगी, तो ये तो मातम मनाने का क्षण है। तो फिर वो क्या बोलता है, सूली पर कल चढ़ाया जाएगा ना, आज तो नहीं, और बिल्कुल हम सब पार्टी करेंगे, बिल्कुल नाच गाना मौज मस्ती बिल्कुल करेंगे, और मैं अपने सूली तक, मैं चाहता हूं कि इसी तरह नाचते गाते मैं फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊं, मैं चाहता हूं कि इसी तरह नाचते गाते मैं फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊं, ना कि मैं अभी से मातम मनाना शुरू करूं। ठीक है, उसकी बातें सुनकर सब उसको मोटिवेट भी करते हैं और मोटिवेट होते हैं और उसको जश्न मनाते हैं, इस तरह से चलता है। तो सभी फिर जब राजा अपने गुप्तचरों से, अपने आदमियों से पूछते हैं कि क्या माहौल था वहां का, तुमने खबर दे दी क्या माहौल था, तो वे कहते हैं कि, तब वे लोग बताते हैं कि वहां तो जश्न मनाया जा रहा था। ये बात सुनने के बाद भी इस तरीके से जश्न मना रहे थे जैसे किसी पुत्र की प्राप्ति हुई हो, बहुत सालों बाद कोई इनके घर में कुछ पुत्र की प्राप्ति हुई हो और वैसे जश्न मना रहे हैं वो लोग। बिल्कुल उसको पता चला भी तो कोई रिएक्ट नहीं, वो हंस खेल रहा था और बोला कि मैं इसी तरह हंसते हुए सूली पर चढ़ूंगा। अब जब राजा ऐसी जब इस तरह की बात सुनता है तो उसने वो क्या किया, अपना फरमान वो वापस ले लेता है, जो उसने जो सजा सुनाई थी वो वापस ले लेता है और क्या कहता है कि जिसे जीना आता है उसे कोई नहीं मार सकता, जिसे जीना आता है उसको कोई नहीं मार सकता, उसको मैं क्या मारूंगा। तो यही दृष्टि जगाइए सही लक्ष्य की ओर,
हम बढ़ें, जीवन को उन्नति के शिखर पर हम लेकर जाएं, कि अपने जीवन को हम अपने अपने हाईएस्ट गोल तक हमको पहुंचना है, एक्स विजन हो तो हमारा जीवन पूरी, हमारे जीवन की भी स्थिति हमेशा अच्छी रहेगी, एक्स विजन हो तो हम किसी भी चीज किसी भी सिचुएशन से घबराएंगे नहीं, उसमें भी हम कुछ अच्छा ढूंढ लेंगे और आगे निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स यही है आज एक्स विजन एक्स पर, और कल हम फिर वाई पर योरसेल्फ पर बात करेंगे और जेड पर जीरो स्टेट पे बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी ध्यानियों को, सभी आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, इतने प्रेम से सबके चेहरे पे स्माइल है सुनने के लिए, थैंक यू फ्रेंड्स। हम ये सब जितनी भी ये सब जितना हम बातें करते रहते हैं, जितना चर्चा करते हैं, हमारा एक क्लीनिंग होता रहता है, वापस हमारा माइंड प्रोसेस सब क्लीनिंग प्रोसेस चलता है और हम फिर अपने आप को वापस एक किक मिलता है कि हाँ सही से हमको जीना है, सही से करना है। तो अनम्यूट कर रही हूँ, अनम्यूट का ऑप्शन दी हूँ फ्रेंड्स। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से समझाते हो हर चीज को, कितने एंगल से, कहाँ से लाते हो इतना बस वो बहुत अलग अलग तरीके से, खूब सुंदर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और किसी को कुछ कहना है? कुछ थैंक्स, मेनी मेनी थैंक्स। थैंक यू मैम। अक्टूबर को सर आ रहे क्या दीदी? थैंक यू श्वेता जी, वेरी वेरी थैंक यू मैम। हाँ मैं सोची थी ये परसों अनाउंस करूंगी कि 8 अक्टूबर को पत्री सर कोलकाता आ रहे हैं। हाँ, 3 घंटे के लिए आ रहे थे। हाँ जो भी है डिटेल्स मिल जाएगा, बता दूंगी, लेकिन जितने भी देर के लिए आ रहे हैं हम सब मिलेंगे। हम लोग मिल पाएंगे? बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल। थैंक यू श्वेता जी। बोले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा बोलते, उसके लिए चलेंगे, अपने सब मिलेंगे, जितने अपने कोलकाता के लोग हैं बिल्कुल मिलेंगे। थैंक यू श्वेता जी। आप इंतजाम करवा दोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चिंत रहिए, पक्का मिलेंगे आपको। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू सो मच। मैं भी चलूंगी आपको के साथ। थैंक यू श्वेता जी।